कौन बोल रहा है पैसा जमा करना? वार्ड पार्षद लोग कितना पैसा मांग रहे हैं? 500 मांगता है, 250 मांगता है, फॉर्म जमा करना है, ऐसा करना है। जमा कर चुके हैं लेकिन नहीं मिला। अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। कितना दिन हुआ राशन कार्ड मिलने से? 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से कार्ड मिला लेकिन राशन नहीं मिला। नहीं हुआ। देखिये, मैं अभी खूंटी के बेलाहाथी रोड में हरिजन कॉलोनी पहुंचा हुआ हूँ और यहाँ कई लोग हमारे साथ देख पा रहे होंगे। दरअसल इन लोगों का शिकायत है कि ये हरिजन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें राशन नहीं मिल रहा है, कई लोग तो ऐसे हैं जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है 3-4 साल से, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कि आवास योजना का लाभ तो मिला है लेकिन जो है राशि नहीं भेजी जा रही है। तो इस प्रकार की जो है बहुत समस्या है यहाँ। तो हम इन लोगों से पहले जानने का कोशिश करते हैं क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ। पहला तो देखिए, यहाँ पर जो निकला था इंद्रवास वाला, फर्स्ट में जो मिला, जो 3 घर का पास हुआ तो वो भी मिला। उसके बाद जो हम लोग जो अप्लाई किए, बहुत बार किए लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, राशन का क्या स्थिति है? राशन में देखिए, अप्लाई भी किए थे, जो कार्ड जो मिलता है ना मिलने के लिए वो भी हम लोग को मिला लेकिन राशन नहीं मिल रहा। हम दुकानदार का जो नाम था वहाँ भी गए तो बोला वहाँ जाओ यहाँ जाओ, बार बार ऐसा करते लेकिन नहीं मिल रहा अभी तक। मतलब नाम है, बोल रहा है कि वहाँ जा, मेरा नाम में नहीं। लेकिन जो कितना दिन हुआ राशन कार्ड मिलने से? 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से कार्ड मिला लेकिन राशन नहीं मिला। नहीं हुआ। देख लीजिए, 4 साल से इन्हें कार्ड मिल चुका है। कौन कार्ड है? लाल के हरा? लाल कार्ड 4 साल से है लेकिन इन्हें राशन नहीं मिल रहा है। आप सोच सकते हैं ये कहाँ पर कमी होगी। अच्छा चलिए, क्या नाम आपका? राजेश लोहरा। अच्छा, आप लोगों का क्या समस्या और? अच्छा, साथे हैं आप? मेरा भी वही है। क्या? यही हरा कार्ड बनवाए थे तो उसमें नहीं आ रहा राशन। कितना दिन पहले बनाए? 7-8 महीना हो रहा है। 7-8 महीना हो गया कार्ड मिला? हाँ मिला लेकिन राशन नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। तो ये देखिए किस तरह से समस्या है हरिजन बस्ती में। ऐसे लोगों पर जबकि प्राथमिकता देकर इन लोगों को जो है विकास कार्यों से जोड़ा जाता है लेकिन यहाँ विकास कार्यों से तोड़ने की काम शायद ये कहेंगे आप। अच्छा ये बताइए, राशन कार्ड का राशन मिलने वाला तो बहुत सारा समस्या है यहाँ, आवास का क्या स्थिति है? आवास का खाली ये हम लोग को बार बार बोला गया कि ऐसा हो जाएगा, इतना पैसा जमा कीजिए, 250 लगेगा। कौन बोल रहा है पैसा जमा करना? वार्ड पार्षद लोग कितना पैसा मांग रहे हैं? 500 मांगता है, 250 मांगता है, फॉर्म जमा करना है, ऐसा करना है। जमा कर चुके हैं लेकिन नहीं मिला। अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। पैसा मांगता है, फॉर्म जमा करना है, पैसा जमा भी कर दिया। 5-10 साल बीत हो गया। 5 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, पैसा दे भी दिए, आज तक कुछ नहीं मिला हम लोग। अच्छा, आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया? नहीं, लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम? भीम लोरा मेरा। हाँ, क्या बता रहे थे? वही बोले कि खाली वही बोल के जाता है, फॉर्म वॉर्म भरवा देता है, बोलता है मिलेगा मिलेगा, फिर उसके बाद इधर साल में साल होते जाता है, आवास ही नहीं आता। आवास योजना तो यहाँ नहीं मिला है। आवास योजना से आवास नहीं? हम लोग बार बार फॉर्म भरते हैं, आवास के लिए जमा कर दिया जाता है, उसके बाद उधर से कुछ रिप्लाई ही नहीं आता है। कितना दिन हुआ फॉर्म भरने से? अभी 1-2 साल से हम लोग घर के लिए फॉर्म भर रहे हैं। हर साल बरसात में किसी का घर धस जाता है तो हम लोग खुद ईटा पत्थर लगा के मिट्टी से घर बना लेते हैं और नहीं मिला है। और राशन हम लोग का वही 1-2 महीना छोड़ के दिया जाता है। काटता भी है राशन? काटता है राशन। कितना काट लेता है? वही एक आदमी के पीछे 5 किलो। 5 किलो तक काट लेता है। तो जब 2-3 दिन राशन बटाता है फिर हम लोग जाते हैं तो बोलता है राशन खत्म हो गया। तो लेके कभी आप लोग अधिकारी के पास संपर्क किए, मतलब शिकायत किए हैं? नहीं नहीं किए हैं, हम लोग डीलर से ही बोलते हैं तो बोलता है कि इतना ही राशन आया है। तो इस तरह से जो है ये हरिजन कॉलोनी है खूंटी का बेलाहाथी, जहाँ की बेलाहाथी रोड का हरिजन कॉलोनी है, जहाँ की जो है बड़ी समस्या आप कह सकते हैं राशन। सबसे बड़ा समस्या तो है राशन, जब मिलता है तो 5-5 किलो तक काट लेता है, अभी खुद कार्डधारी बता रहे हैं। और इसके अलावा 2 साल से किसी के पास कार्ड है लेकिन राशन नहीं दे रहा है, तो ये हो गया। लेकिन फॉर्म भराने के नाम पर, आवास योजना का लाभ लेने के लिए जब फॉर्म भराया जा रहा है तो उसके लिए भी इन लोगों से 500 रुपये तक लिया जा रहा है। तो ये जो है बड़ी समस्या है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है जिला प्रशासन को, ताकि ऐसे लोगों को जो है सरकारी योजनाओं से जो जोड़ा जाए और इसे लाभान्वित किया जाए। बच्चा लोग को 200 का खून चढ़ता है, जानते हैं 200 का खून चढ़ता है, एगो खून का कमी की वजह से मर गई, एगो बच्चा है 2 साल का मर गई, फिर एक ठो को फिर चढ़ता है उसका 9 साल हुआ है, लेकिन यहाँ खून का ज्यादा सुविधा नहीं है, बहुत देरी में खून मिलता है खूंटी में। हाँ, खूंटी में पूरा सीरियस हो जाती है तब जाके खून। और तिसपुर में मतलब कि सब
लगातार बीमार से मार होते रहते हैं और बिजली का इतना पैसा आ जाता है ना मत बोलिए। अच्छा, क्या क्या चला यूज करते हैं? कुछ नहीं, खाली पंखा चलाते हैं लक्ष्मी मुनि देवी। इस पर जिला प्रशासन को काम करना चाहिए और इन्हें जो है सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की जरूरत है और जोड़ना चाहिए। फिलहाल तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झारनी न्यूज़।